नमस्कार, मैं हूं मुन्ना कुमार यादव और सक्सेस मंत्रा 24 पर आज मैं आपके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनमोल विचार को शेयर करूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो भारत ही नहीं पूरे दुनिया में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास में अमर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। पढ़ाई लिखाई में अव्वल और अद्भुत प्रतिभा के मालिक नेताजी का जीवन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से अत्यंत प्रभावित था। नेताजी का योगदान और प्रभाव इतना बड़ा था कि कहा जाता है अगर उस समय नेताजी भारत में उपस्थित रहते तो शायद भारत एक संघ राष्ट्र बना रहता और भारत का विभाजन नहीं होता। स्वयं गांधी जी ने इस विचार को स्वीकार किया था, तो देरी किस बात की। आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनमोल विचारों को। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मुझे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। निसंदेह बचपन और युवावस्था में पवित्रता और संयम अति आवश्यक है। मैंने जीवन में कभी भी खुशामद नहीं की है। दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें करना मुझे नहीं आता। मैंने अपने छोटे जीवन का बहुत सारा समय व्यर्थ में ही खो दिया है। भविष्य अब भी मेरे हाथ में है। मेरे जीवन के अनुभवों में एक यह भी है, मुझे ऐसा है कि कोई ना कोई किरण उबार लेती है और जीवन से दूर भटकने नहीं देती। हमें अधीर नहीं होना चाहिए, ना ही यह आशा करनी चाहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर खोजने में न जाने कितने ही लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसका उत्तर हमें एक दो दिन में प्राप्त हो जाएगा। मैं चाहता हूँ चरित्र, ज्ञान और कार्य। व्यर्थ की बातों में समय खोना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। परीक्षा का समय निकट देखकर हम बहुत घबराते हैं, लेकिन एक बार भी यह नहीं सोचते कि जीवन का प्रत्येक पल परीक्षा का है। यह परीक्षा ईश्वर और धर्म के प्रति है। स्कूल की परीक्षा तो दो दिन की है, परंतु जीवन की परीक्षा तो अनंत काल के लिए देनी होगी। उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। हमें केवल कार्य करने का अधिकार है। कर्म ही हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल का स्वामी वो भगवान है, हमने। याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। अपने कॉलेज जीवन की दहलीज पर खड़े होकर मुझे अनुभव हुआ जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य है। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। मेरी सारी की सारी भावनाएं मृत प्राय हो चुकी है और एक भयानक कठोरता मुझ में कसती जा रही है। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहते हैं और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। सबसे पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है। कर्म के बंधन को तोड़ना बड़ा कठिन काम है। भावना के बिना चिंतन असंभव है। यदि हमारे पास केवल भावना की पूंजी है तो चिंतन कभी भी फलदायक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आवश्यकता से अधिक भावुक होते हैं, परंतु वह कुछ सोचना नहीं चाहते। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की, और उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। मैं
संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकटपूर्ण दिन आने पर भी मैं भागूंगा नहीं, वरन आगे बढ़कर कष्टों का सहन करूंगा। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं अंत में विजय हमारी ही होगी। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। कष्टों का निसंदेह एक आंतरिक नैतिक मूल्य होता है। मदया भावे गुंड दद्यात, अर्थात जहां शहद का अभाव हो वहां गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। मैं जीवन की अनिश्चितता से जरा भी नहीं घबराता। मुझमें जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझमें कभी नहीं रही। इतना तो आप ही मानेंगे, एक न एक दिन तो मैं जेल से अवश्य मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक दुख का अंत होना अवश्यंभावी है। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती है। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण का समाधान सिर्फ समाजवादी तरीके से ही की जा सकती है। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। तो दोस्तों, ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनमोल विचार। उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।